ফের প্রমোটারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ। 1980 সাল থেকে 39A নীলমণি হালদা লেনে ভাড়া রয়েছেন মুক্তার আলম। দু বছর আগে সেই বাড়ি নতুন করে তৈরি হয়। বাড়তি আইন অনুযায়ী 77 স্কোয়ার ফিট জায়গা দিতে রাজি হয় প্রমোটার রহিম আলী, কিন্তু বিল্ডিং এ তৈরি হয়ে যাওয়ার দু বছর কেটে গেল, এখনো মুক্তার আলমকে জায়গা হস্তান্তর করা হয়নি বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিক তাকে জায়গা হস্তান্তর করতে চাইলেও রহিম আলী ওই জায়গা তাকে দিতে চাইছে না বলে অভিযোগ করেন মুক্তার আলম। ইতিমধ্যে প্রশাসন এবং স্থানীয় প্রমাতার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি, মিলেছে সাহায্যের আশ্বাস। তবে কবে তিনি তার জায়গা ফিরে পাবেন এখন সেটাই প্রশ্ন। अभी तक नहीं दिया, बोला था कि 6 महीने के अंदर में हम दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो हम 1000 रुपये पर ले देंगे। मेरा नाम मुख्तार आलम, 39 बाई ए नीलमणि हल्दा लाइन, जगह 13-46 वार्ड, इसके रहने वाला हूँ। स्क्वायर फीट जगह था आपका? 86 स्क्वायर फीट। 86 में हमको 10% बोला था कि बात कर देंगे। तो कितना देने की बात है? 77 स्क्वायर फीट। आपके जो एग्रीमेंट में लिखा है कितना स्क्वायर फीट? 77 स्क्वायर फीट। हाँ जी। तो अभी जब ये बिल्डिंग जो बन गया, ये बिल्डिंग बनने के बाद आपको ये कब बिल्डिंग बनी है? ये वाली 2 साल हो गई। दो साल से आपको पोजीशन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्या बोलते? बोला कि 2.5 लाख रुपए दीजिए। थाना में भी रिपोर्ट दिए हैं, धमकी भी दिया, लोग मार देंगे। कौन धमकी दिया आपको? ये एक हमजद है। बिल्डर का नाम क्या है? ये बिल्डर का नाम है विकी रहीम अली या शेख मुख्तार। नदीम उसका ये जो कराने वाला है मोहल्ले का है, नदीम खान। प्रमोटर कहाँ का? उसका नाम है हमजद अली और एक ये नदीम खान। आपका जिससे एग्रीमेंट हुआ था उसका नाम क्या है? शेख रहीम अली और शेख मुख्तार। अच्छा, उन्होंने जब ये बन रहा था तो आपको बोला कि आपको जगह मिलेगी बनने के बाद? हाँ, अब सिटी दिया हमारा इस बिल्डिंग में 2 तला में। हाँ, तो जगह भी है ऐसे खाली पड़ा हुआ? नहीं, सिटी में हम है। जगह बन कर रखा है, खाली है। खाली वाला कौन है? बाड़ी वाला नैना घोष है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं दे दीजिए बाड़ी, जो दे दीजिए। वो बोले कि अगर आएंगे बाड़ी वाला तो हम जो बोलेंगे वो करेंगे। तो बाड़ी वाला आकर भी बोला कि इनको दे दीजिए मुख्तार को, तो फिर ये लोग फिर नहीं देने मांग रहे हैं। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिक के काम करते हैं, कंट्रैक्टर के अंदर में। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं? अब हमको अच्छा यहाँ के स्थायी जो काउंसलर है उनसे मिले हैं? हाँ, उनसे भी गए, उनको भी डॉक्यूमेंट दिए। हाँ, काउंसलर ने क्या कहा? वो भी बोल रहे ठीक है फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। वार्ड में आपको हम जाकर ऑफिस में जाकर लेटर भी दिया, लेटर देने के बाद बोले कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट भी दिया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी हो रही है, अभी जो मांगते हैं तो क्या बोलते हैं वो, ये बताइए। बोल रहे हैं फैसला हो जाएगा। क्या फैसला हो जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, और ये जो प्रमोटर है उनसे जब मांगते हैं प्रॉपर्टी अपना तो क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं कि हम दे देंगे, लेकिन 2.5-3 लाख रुपया देना हो। किस चीज का 2.5-3 लाख रुपया मांगता है? वही हम बोला किस चीज का हम देंगे, हम तो गरीब आदमी कहाँ से देंगे। ठीक, और क्या सरकार से कुछ आप? सरकार तो कुछ नहीं, हमारा घर। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।